अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 6.7 का लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सर शारिक आपको क्या करने जा रहे हैं, आपको तमाम टॉपिक्स को क्लियर और कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ इसको सॉल्व करवाने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन है बहुत आसान सा क्वेश्चन। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि क्वेश्चन क्या होगा, बहुत आसान होगा और आराम तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से पढ़ाऊँ ताकि आपको क्या हो सके, स्टूडेंट्स समझ में आ सके। चलो आज विदाउट वक्त जाए कि बगैर हम सवाल को देख लेते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है और वो क्या कह रहा है। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। आपने अगर आपने एरिया मालूम करना है एक्स एक्सिस के अंडर द फ्लोइंग कर्व बिटवीन द गिवन ऑर्डिनेट्स। जबकि ऑर्डिनेट्स मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू गिवन है कर्व्स की, आपने क्या करना है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान से सवालात हैं, इन सवालात को हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन लिखने से पहले आप बता दो कि एरिया का फॉर्मूला बेसिकली इंटीग्रेशन से कैसे निकलता है। तो एरिया जो होता है स्टूडेंट वो बराबर होता है किसके, ए बी y डी ऑफ x, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है। और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, y की वैल्यू ये है मेरे पास, तो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी ऑफ x की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो मैंने इंटीग्रेशन लगाया, लिमिट की वैल्यू a और b गिवन है 1 और 2, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 और 2, ठीक है, बिल्कुल सही करेक्ट हो गया। उसके साथ उसने वाई लिख लिखा, तो वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3x² + 2, ये भी लिख दिया। देखा कितना आसान तरीके से हो गया, और ये डी एक्स लिख दिया। वाओ, ये तो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। चलो आ जाओ, क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसमें आपने इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम तो बहुत दिनों से सॉल्व करते हुए हम बहुत दिनों से जानते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन निकालते हैं ना, क्योंकि 6.1 से स्टार्ट किया था, 6.7 में भी हमारे पास वही टॉपिक्स है। तो चलो आ जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा 1, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा 2। सबसे पहले इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो 3 को बाहर लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर को अंदर लिख देते हैं, बिल्कुल सही, प्लस का निशान है स्टूडेंट, और यहाँ पे dx भी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इंटीग्रेशन 1 और 2, और इस 2 के ऊपर भी क्या लगेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन लगेगा, तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एक प्लस और एक उसी साथ डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, क्योंकि ये लिमिट भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाय क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट, 3 लिख देता हूँ, और ये वाला जो 3 है ना उसको मैं पहले लिख देता हूँ 3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, ये पुराना वाला 3 यहीं पर रह गया, x का स्क्वायर और 3 x का क्यूब और 3 वैसे ही हो गया, प्लस का निशान स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 2 सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, तो जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं कांस्टेंट नंबर का, तो हम उसके साथ वाला वेरिएबल साथ लिख देते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2x हो जाएगा, और हमारे पास जो लिमिट दिया वो क्या दिया हुआ है, 1 और 2, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया। देखा, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, एक्स का क्यूब प्लस 2x, और लिमिट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 और 2। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा x लिखा हुआ है, x की जगह क्या पुट होगा स्टूडेंट, 2 होगा, मैं 2 लिखूंगा और उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, क्यूब लगाऊंगा, माइनस का निशान, फिर उसके बाद 1 पुट करूंगा x की जगह, तो 1 पुट करूंगा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा। कैसा, कितना आसान तरीके से हो गया ना, क्योंकि हमने इससे पहले सीखा हुआ है कि हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट 2 का तो काम, ये 2 और 1 का काम हो गया इसके लिए, ठीक है, अब इसके लिए करेंगे। तो 2 लिखूंगा x के अंदर, पहले क्या पुट करूंगा स्टूडेंट, पहले मैं पुट करूंगा 2, तो मैं क्या लिख दिया स्टूडेंट, 2 लिख दिया, नेक्स्ट का निशान, फिर क्या पुट करूंगा स्टूडेंट, 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। मैंने 2 को बाहर कॉमन लेके कर लिया, ताकि क्या होगा बाद में मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा आंसर। तो 2 का क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 8, और 8 में से माइनस 1 होगा, प्लस ये 2 है, तो ये क्या 2 टू 4, ये 2 1 कटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 2 2 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 + 2, तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अगर हम देखें तो एरिया की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 7 + 2 = 9 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है एरिया स्क्वायर यूनिट होता है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर यूनिट। देखा कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, पहला सवाल तो आसान ही था, लेकिन जब इसके आगे सवाल आएंगे तो शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा तो मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये ना फॉर्मूला लगकर सॉल्व होगा, हमें मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बता देता हूँ कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है कि a और b होता है, y और dx होता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ मैं इसकी वैल्यू को अगर पुट कर दूँ अगर, तो मेरे पास एरिया की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, एक x की वैल्यू क्या है 1/2, और दूसरी वैल्यू क्या है, सॉरी
ये मेरे पास 1/2 हो गया ना, बिल्कुल सही है। और दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, √3/2। तो मैं क्या लिखूँगा, √3/2। मैंने वाली वैल्यू क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, ये 1 4x - 2 है ना, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखूंगा, 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर √, और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, dx लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म पूरी बनकर के क्या आ गया स्टूडेंट, आ गया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या एक फॉर्मूला होता है कि अगर अगर 1 2 का स्क्वायर - x होना, तो वो बराबर होते हैं इनवर्स के, किसके बराबर होता है, अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ होना तो वो इनवर्स x/2 के बराबर होता है, मतलब ये वाली वैल्यू और नीचे जाके 2 हो जाता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट के, अगर मेरे पास यही टर्म लिखी हुई हो, ठीक है, और इंटीग्रेशन हो, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, x की जो वैल्यू होगी x डिवाइडेड बाय जो विदाउट स्क्वायर वाली टर्म होगी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो x/ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, और जो लिमिट की वैल्यू है मेरे पास √3/2, तो इसको वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2, तो मैं लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी स्टूडेंट। अब इसको क्या करना है, अब इसमें लिमिट की वैल्यू को पुट कर देना है एक एक करके। तो चलो आज लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू है ना, तो एक्स की जगह वैल्यू को पुट करना होगा एक एक करके, ठीक है। तो चलो आज एक एक करके एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है, और इस एक्स की जगह ये 1/2 है ना, इस एक्स की जगह क्या पुट कर दूँ स्टूडेंट, √3/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, √3/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वापसी इसमें लिखाएगा एक्स, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू आनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब इसी में ही मुझे यही वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। लिखूंगा साइन इनवर्स, ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2, तो मैं क्या लिख दूंगा, पहले तो 1/2 ही है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, बता दो क्या वैल्यू आ रही है, तो इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे पास जो है स्टूडेंट क्या आ जाएगा, √3/4, तो √3/4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का निशान, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ना कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, और इसको कैलकुलेटर में वैल्यू डालने के बाद जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.195 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कैलकुलेटर में डालकर वैल्यू लिखोगे तो इसके हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास लॉग का फंक्शन है, और लॉग के फंक्शन को डायरेक्टली सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला तो पता है, वही है एरिया का, वो क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ए और बी बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले एरिया जो है वो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, जाहिर सी बात है, बी की वैल्यू क्या है 3 है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके सॉल्व करेंगे, तो इसका आपको मालूम होगा स्टूडेंट के इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले ना मैंने आपको सिखाया था कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट जो होता था उसमें एक फॉर्मूला होता था जिसकी मदद से हम लोग क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे। तो चलो आ जाओ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, ठीक है। तो पहले हमें लिमिट की वैल्यू को हटाते हैं, उसके साथ साथ पहले इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास लॉग लिखा बेटा log of x और dx, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या लिख दूं स्टूडेंट, 1 लिख दूं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट बाय पार्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई कोई ना कोई टर्म हो रही होती है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1 लिख दिया। अब याद रखना, आपको शायद याद हो कि हम इसमें फंक्शन लेते थे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेते थे। मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन ये है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, फंक्शन में हमेशा लॉग वाली टर्म को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट मेरे पास, सेकंड फंक्शन मेरे पास 1 होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, अगर इस 1 को पहले लिखते तो कोई मसला नहीं होता, लॉग वाली टर्म हमेशा फर्स्ट फंक्शन होती है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, वो ये होता है, आपको याद हो शायद, अगर याद नहीं है तो अभी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन से, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन से, फिर माइनस लेते हैं, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन लगाते हैं, फिर हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, डेरिवेटिव, क्या लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और फिर उसको भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन से, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन,
मैंने क्या बोला कि सबसे पहले फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन लिखोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन से, फिर माइनस करवाओगे दोबारा से इंटीग्रेशन का निशान लगाओगे, फिर डेरिवेटिव लोगे फर्स्ट फंक्शन का और फिर इंटीग्रल ले लोगे सेकंड फंक्शन का, ठीक है। तो इन तमाम की वैल्यूज भी तो हमें मालूम होनी चाहिए ना स्टूडेंट। तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है स्टूडेंट मेरे पास ये, तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब इसका हमें इंटीग्रल भी लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का निशान डाल रहा हूँ और सेकंड फंक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा स्टूडेंट, 1 है ना, 1 का इंटीग्रेट क्या होगा x होगा, तो मैं क्या लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ x लिख दूंगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हो गया, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन भी लेना है स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव का डैश का निशान होता है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स है, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई है, अब इस सारी वैल्यूज पे यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा। तो मैं लिखता हूँ आई फर्स्ट फंक्शन क्या है स्टूडेंट, लॉग ऑफ एक्स, तो क्या लिख दूंगा लॉग ऑफ एक्स लिख दूंगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है स्टूडेंट एक्स है, तो एक्स लिख दूंगा, ठीक है। माइनस का निशान फिर इंटीग्रेशन का निशान है, इंटीग्रेशन लगा लिया। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या 1 ओवर एक्स, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 1 ओवर एक्स। और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मेरे पास एक्स है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, इस एक्स से यार एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल आउट, ठीक है। तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। ये डी एक्स लिखना लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, हाँ क्योंकि इंटीग्रेशन लगा हुआ है डी एक्स तो हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूँ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस दोबारा से इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 1 ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब इसका भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास आ जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेट क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास सॉल्व, और प्लस का क्या हो गया सी हो गया। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया स्टूडेंट। अगर इनमें से एक्स को कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स लिया ना लॉग ऑफ एक्स माइनस का 1, ठीक है। तो ये कॉमन आ जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ना शुरू में ना लिमिट की वैल्यू नहीं लिखी थी, ठीक है, हमने ना लिमिट के बगैर लिखा था। अब लिमिट क्या है मेरे पास 1 और 3, तो 1 और 3 को क्या करना होगा, लिखना होगा इसके अंदर, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया, अब इसके अंदर अप्लाई होगा, ठीक है। चलो आज अप्लाई कर लेते हैं, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी हो गई, ठीक है, अब सही है। लिमिट कैसे अप्लाई होगा ये देख लो स्टूडेंट, मेरे पास क्या होगा, मैंने आप लिखा आई लिखा, लिमिट के लिए क्या करते हैं हम इस तरह से लाइन बनाते हैं, ठीक है, एक्स फिर ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स माइनस का 1, ठीक है। लिमिट के अंदर हम लोग सी को नहीं देखते हैं, ठीक है, लिमिट क्या है स्टूडेंट 1 और 3 है, ठीक है। तो 1 और 3 को क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, एक्स के अंदर भी पुट करेंगे और इसके अंदर भी पुट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा 3 माइनस 1, ये क्या होगा स्टूडेंट एक्स जाएगा क्या 3 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो चलो आज इसको नेक्स्ट पेज में करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है स्टूडेंट सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चलो आज वैल्यू को लिखते हैं, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले स्टूडेंट मेरे पास जो एरिया है उसमें एक्स है, ठीक है, तो 1 और 3 है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से कि मेरे पास सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो और से एक्स है तो इसमें 1 पुट करूँगा और इसके अंदर भी मैं वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, 1 माइनस 1, ठीक है। तो आज इसको लिख कर देख देते हैं, तो मैंने इस तरह से लिखा लॉग 1 माइनस 1, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे लॉग 3 माइनस 1, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू आएगी 0 माइनस 1, ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3, लॉग 3 की वैल्यू हमारे पास लॉग 3 होगी, ठीक है, और माइनस का 1। जब इसको टोटल सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डाल के स्टूडेंट, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1.29 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्या आ जाएगी 1.29 स्क्वायर यूनिट। बेटा कैलकुलेटर के अंदर सारी वैल्यू निकाला जा सकता है, तो आप उस तरह से काम कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, ठीक है, जबकि एक्स की वैल्यू जो डीवी पहली π/3 है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, और दूसरी वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू है π/2। स्टूडेंट याद रखना, जिस तरह से करवा रहा हूँ इसी तरह से करने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर निकालना है, तो ए एरिया किस करा होगा, ए बी वाई ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है पहली ए की π/3, तो मैं लिखूंगा π/3, ठीक है, यहाँ पे π/2 और एक्स साइन एक्स। स्टूडेंट याद रखना कि मेरे पास यही टर्म दोबारा से आ गया, तो इसको भी इंटीग्रल बाय पार्ट से ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि दो फंक्शन एक दूसरे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रल बाय पार्ट, ठीक है, यहाँ लिखूंगा इंटीग्रल बाय पार्ट, ठीक है। हम लोग क्या करें, इंटीग्रल बाय पार्ट करें विदाउट लिमिट, लिमिट के बगैर, ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो विदाउट लिमिट, हम लिमिट के बगैर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, फंक्शन लिखा मैंने सबसे पहले एक्स साइन ऑफ
एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, जब भी लॉग होता है ना तो लॉग हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग एक्स को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स, सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन ऑफ एक्स। हमें मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन का क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास वैल्यू जब कैंसिल आउट होगी तो जाहिर सी बात है एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना, तो 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, साइन का डेरिवेटिव होता है मेरे पास कॉस, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है, फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम है क्या होता है। मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिखूंगा कि हमने क्या लिखना होता है, फर्स्ट फंक्शन लिखना होता है, फिर क्या लेना होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लेना होता है, सेकंड फंक्शन। इस दफा ना सिंबल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, माइनस का निशान होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन होता है, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करता है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको फर्स्ट ही लिख देना, ये वाला फर्स्ट मत लिखना, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इन सब की वैल्यूज को पुट कर देना होगा। तो पुट करके देख लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है स्टूडेंट, एक्स है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस का कॉस एक्स। तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस करा ही नहीं। फिर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, माइनस का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन किसके बराबर है स्टूडेंट, डेरिवेटिव 1 के बराबर है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, सेकंड फंक्शन मतलब माइनस के कॉस एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, साइन हो जाएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस का निशान साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स, और ये खत्म हो गया हमारे पास, पूरा सॉल्व हो गया। प्लस का क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसमें लिमिट अप्लाई कर देना होगा। लिमिट क्या था, पाई बाई टू एंड पाई बाई थ्री। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ आपके सामने इस तरीके से, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो लिमिट मेरे पास क्या गिवन थी, लिमिट जो मेरे पास गिवन थी वो स्टूडेंट क्या थी, पाई बाई थ्री और पाई बाई टू। तो लिखूंगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस का साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले आ जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री, ठीक है। जिस तरह से लिखा हुआ था मैंने उसी तरह से आपके सामने क्या कर दिया, लिख कर दिखा दिया। अब इसकी अगर वैल्यू को पुट करोगे तो स्टूडेंट क्या होगा, अगर मैं माइनस इसमें से देखूँ, अगर इस वाली वैल्यू में से वैल्यू पुट करूँ पाई बाई टू और पाई बाई थ्री, तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू होगा कॉस पाई बाई टू, ठीक है। ये हो गया एक दफ़ा, माइनस का निशान दोबारा से क्या होगा स्टूडेंट, पाई बाई थ्री होगा, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा दोबारा से, पाई बाई थ्री, उसके बाद कॉस हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा से क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री आ जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में करना होता है और एक दफ़ा माइनस करके वैल्यू को पुट करना होता है, ठीक है। इसी के अंदर वैल्यू पुट करो, लेकिन उससे पहले एक और माइनस का निशान था, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एज अ माइनस के तौर पे लिख देता हूँ बाहर, ठीक है। तो मैंने बाहर ही ले लिया ताकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, प्लस का निशान, इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए मुझे इसमें माइनस को ऐसे ही लिख देना चाहिए, ठीक है, लाइक बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस बाहर तो नहीं होगा, इसके साथ ही होगा ना, ठीक है। अब सही है, अब क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, साइन लिखूंगा एक बार, एक बार क्या होगा, एक्स की वैल्यू पाई बाय टू, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय टू, फिर माइनस होगा दोबारा से, और फिर क्या होगा, साइन पाई बाय थ्री, ठीक है। तो ये आई तरह से मैंने क्या कर दिया, वैल्यू लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू किसके बराबर होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। बेटा पाई बाई टू कॉस क्या हो जाएगा, पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस का निशान, पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री जो है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, पाई बाई थ्री हो गया, पाई बाई थ्री स्टूडेंट किसके बराबर होता है, मेरे पास वन ओवर टू के बराबर होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, प्लस का निशान डाल दिया, साइन पाई बाई टू स्टूडेंट वन के बराबर होता है, माइनस का निशान, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई बाई थ्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट थ्री ओवर टू के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास माइनस था, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री टू थ्री था सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिक्स लिख दिया, प्लस का निशान स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, माइनस का अंडर रूट थ्री ओवर टू, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर, तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आएगी, 0.657 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्टूडेंट इस तरह से ले सकते हो, मैं यहाँ पे इसका ये इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, और स्टूडेंट ये हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व।
अभी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। स्टूडेंट इसमें याद रखना है, इसमें भी हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो वही होगा ए और बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें लिखता हूँ एरिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। वाई की वैल्यू क्या है 1/9 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और डी ऑफ एक्स, इसको याद रखना जब लिमिट की वैल्यू सेम हो और नीचे माइनस और ऊपर प्लस हो। ठीक है, तो आपको याद होगा हम लोग इवन और ऑड फंक्शन देखते थे। ठीक है, तो जिसमें मैं एक्स की वैल्यू को कंसीडर करता था तो एक्स की जगह पुट करता था और देखता था कि इवन है या फिर ऑड है स्टूडेंट। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है फंक्शन मेरे पास क्या आएगा इवन ही आएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इससे बराबर हो जाएगा स्टूडेंट एफ माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा पॉजिटिव है एफ ऑफ एक्स के। देखो इस तरह से, क्योंकि जब भी लिमिट सेम होता है तो एक कंडीशन होती है, तो लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा इस पूरे फंक्शन के, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पे माइनस पुट करते हैं, तो माइनस पुट किया 1/9 प्लस माइनस का एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1/9 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई स्टूडेंट, ये वैल्यू बराबर दोबारा से एफ ऑफ एक्स के आ गए, तो क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स। जब भी मेरे पास फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है कोई टर्म, तो वो फंक्शन क्या होता है मेरे पास इवन होता है। ठीक है, अगर चेंज आ जाता तो ऑड हो जाता। जब भी मेरे पास कोई फंक्शन इवन होता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम टू लिखते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाते हैं, नीचे जीरो लिखते हैं और ऊपर जो वैल्यू होती है हम वही लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पूरा सॉल्व करा हमने 6.6 के अंदर। ठीक है, अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरे पास लिमिट की वैल्यू है उसको हम वैसे ही वैसे लिख देंगे 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मुख्तलिफ तरीके से हम करते हैं, जब भी 9 हो और इस तरह की टर्म हो तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 अंडर रूट 3, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। तो याद रखना 3 का स्क्वायर जो भी कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर होता है वो टेन इनवर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स के। तो इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट 2 लिखूंगा, वैसे ही यहाँ पे वैल्यू ऐसे ही लिख दिया। अब याद रखना है स्टूडेंट मेरे पास होगा क्या, मेरे पास जो है ना ये वाली जो वैल्यू है, यानी जो पूरी वैल्यू है टेन इनवर्स के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट? टेन इनवर्स के। तो मैं क्या लिखूंगा टेन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x ओवर 3, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, इसमें ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, फार्मूला में 1/a भी होता है। ठीक है, तो 1/a की वैल्यू क्या है 3 है। फार्मूला जो होता है ना वो ये होता है स्टूडेंट, बताता हूँ आपको कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिखा हो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा हो, तो उसको असल में लिखते कैसे हैं 1/a, ठीक है, टेन इनवर्स, ठीक है, और एक्स ओवर ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है ये 3 है। ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो हम 3 पुट करते हैं हर जगह। ठीक है, तभी मैंने इसी तरह से क्या करा है पुट कर दिया। ठीक है, अब चाहे ये हो गया, अब इसकी वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की जगह एक दफ़ा अंडर रूट 3 पुट होगा और एक दफ़ा 0 पुट होगा। लिखूंगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3, ठीक है, ओवर 3 माइनस टेन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट 0 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट पुट करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2/3 वैसे ही टेन इनवर्स अंडर रूट 3/3 जो होता है वो बराबर होता है स्टूडेंट 5/6 के। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा माइनस 0 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 1 2 2 3 6 3 3 9, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट 5/9। अगर इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके लेकर आना है तो वैसे भी आ जाएगा, अगर यहाँ पे रोकना है तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट रोक सकते हो। ठीक है, तो हमने इस वाले सवाल को भी क्या कर दिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे सवाल इंपॉर्टेंट है ना, और हमें हर सवाल को क्या करना है सॉल्व करना है। चलो आ जाओ, तो अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, बहुत ही आसान सा सवाल है। वाई लिखा हुआ किसके 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है, तो ये सवाल आसानी लग रहा है देखने में, x बराबर 0 जबकि x की दूसरी वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास 2 है। ठीक है, ये दो वैल्यूज थी तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया। अब क्या करना होगा, दोबारा से एरिया निकालना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए बी वाई और डी एक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट इस दफ़ा क्या है 0 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और डी एक्स। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा, इन सब में इंटीग्रेशन निकाल लो, इतना तो आता ही है हमें। ठीक है, ये 4 में क्या होगा
फोर एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है, यहाँ पर थ्री एक्स की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता था। और वन का क्या होगा, एक्स होगा, और इसमें लिमिट लगा दो, मेरे पास क्या जाएगा जीरो और टू, तो जीरो और टू लगा दिया, फोर से फोर कटा, थ्री से थ्री कटा, टू से टू कट गया, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट इसकी, एक्स का फोर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो और टू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना होगा, अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करना होगा एक एक करके, चलो आगे पुट कर लेते हैं, तो जीरो और टू है तो एक दफ़ा जीरो पुट करो, एक दफ़ा टू पुट करोगे, एक दफ़ा जीरो, तो टू का फोर माइनस जीरो का फोर, ठीक है, प्लस एक दफ़ा क्या होगा टू का क्यूब माइनस जीरो का क्यूब, फिर क्या होगा स्टूडेंट टू का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा प्लस कनेक्शन टू माइनस जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट क्या आएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 30 स्क्वायर यूनिट। देखा कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया, मतलब सारे सवाल अब हमें आते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से क्या कर ले रहे हैं स्टूडेंट सॉल्व कर ले। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। सोल्यूशन लिखा, एरिया लिखेंगे, एरिया किसके बराबर होता है आपको मालूम है, ए बी, और यहाँ पे क्या होता है वाई डी एक्स, ठीक है, तो ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था, सी बराबर होता है। तो स्टूडेंट चलो आज इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास पहले क्या है पाई बाय सिक्स है, और फिर क्या मेरे पास पाई बाय थ्री है, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट पाई बाय सिक्स और पाई बाय थ्री, ठीक है, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी थ्री सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और डी एक्स लिख दिया। स्टूडेंट मालूम है कि हमारे पास सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है टेन एक्स के बराबर होता है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट टेन एक्स, और साथ में क्या लग जाएगा थ्री लग जाएगा, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट थ्री, थ्री को अगर बाहर लिख दूँ कोई मसले की बात नहीं है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाय सिक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट पाई बाय थ्री, कितना आसान था ना स्टूडेंट। अब क्या करोगे इसकी वैल्यू को इसके अंदर करके वैल्यू पुट कर लोगे, तो एरिया की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी थ्री, यहाँ पे टेन लिखूंगा, पहले क्या आएगा पाई बाय थ्री, फिर माइनस का निशान क्या आ जाएगा टेन पाई बाय सिक्स, ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करवा दो तो स्टूडेंट बताओ क्या आ रही है वैल्यू थ्री टेन पाई बाय थ्री किसके बराबर होता है स्टूडेंट अंडर रूट थ्री के बराबर होता है, ठीक है, और माइनस का पाई बाय सिक्स किसके बराबर होता है अंडर रूट थ्री ओवर थ्री। बेटा आप ना कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके ये वैल्यू निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट की आ रही है थ्री, ये जाकर के इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे जाके मल्टीप्लाई, ये इससे आके मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा थ्री अंडर रूट थ्री, ठीक है, माइनस का अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है, ये मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा ट्रम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो, तो मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट थ्री में से एक जाएगा तो मेरे पास टू अंडर रूट थ्री, तो ए के वैल्यू क्या आ गई टू अंडर रूट थ्री, तो दिस इज योर आंसर, स्क्वायर यूनिट लिखना भूलना मत, यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। देखो कितना आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं और नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास जो सवाल होगा उस सवाल को लिखते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, ठीक है, तो 8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है कि वाई बराबर इसके स्टूडेंट 6 साइन स्क्वायर एक्स के, जबकि एक्स की वैल्यू क्या है जीरो और एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई थ्री। स्टूडेंट थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तभी मैं थोड़ा सा इस तरह से करवा रहा हूँ, लेकिन खैर इंशाल्लाह आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, तो वाई बराबर स्टूडेंट डी एक्स का, तो अब क्या होगा वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, तो वाई की वैल्यू को अगर पुट किया जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा सिक्स यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा जीरो पाई बाई थ्री सिक्स हो गया यहाँ पे, और अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। स्टूडेंट सिक्स को बाहर लिख देता हूँ तो सिक्स बाहर आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो पाई बाई थ्री वैसे ही लिख दिया। स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू के, ठीक है, ये इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो और इसके साथ क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब टू को भी बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके काट दो थ्री हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर थ्री हो जाएगा जीरो पाई बाई थ्री वन माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है, और डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा एक्स होगा, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स, तो टू एक्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, टू एक्स को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है वो इस तरह से किया जा सकता है, आपको बताया था मैंने कि अगर कॉस लिखा हुआ हूँ और 2x लिखा हो तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट 2 होता है, तो 2 यहाँ पे लिखा है तो डिवाइड भी करेंगे 2 से। अब क्या करोगे जब इसका इंटीग्रेशन लेने जा रहे हो ना स्टूडेंट, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन के साथ क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो साइन 2x हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास डेरिवेटिव निकालने का
तरीका, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालने का तरीका होता है कि इस एंगल का अगर यहाँ पे क्या आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं इसका जब निकालूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टूडेंट 3 लिख दिया मैंने। यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, एक्स होता है, इसका क्या होगा साइन, मैं बता रहा ना क्या आएगा इसका, अगर इसको फाइनल करो साइन 2x, और यार 2 नीचे आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे बचेगा मेरे पास साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी दिया था, तभी मैं इसको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 वैसे ही लिखूंगा, अब इसमें लिमिट की वैल्यू को पुट करूंगा, ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक 0 है और एक में पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 पहले पुट होगा, माइनस का 0 इसके अंदर पुट हो गया, माइनस का निशान, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 3, और डिवाइड बाई क्या होगा स्टूडेंट, 2, डिवाइड बाई क्या है मेरे पास 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 ही लिखूंगा, ठीक है, 2 लिख दे डिवाइड बाई, ठीक है। फिर माइनस का निशान, साइन 2 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये मैंने पूरी टर्म आपके सामने लिख करके दिखा दिया। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट क्या आएगा, इसकी वैल्यू पाई बाय 3 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। माइनस का स्टूडेंट 1/2 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/2 बाहर निकाल, साइन 2π/3 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, √3/2 के बराबर होता है, ठीक है, √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। ये 2 जो था इसको बाहर निकाल लिया, 1/2 कर दिया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हो गई, और इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो ब्रैकेट इस तरह से लगा दो, एक लार्ज ब्रैकेट, ताकि क्या कर सको, इसको सही से सॉल्व कर सको, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, ये 3 वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस का √3/4, ठीक है, क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, बेसिकली आपको जैसे एलसीएम लिया जाता है, तो इस तरह से अगर एलसीएम लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये 3 हो जाएगा, 3/4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 3√3 और डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये एलसीएम लिया है सिंपल, ठीक है। 3 1 3, 3 4 12, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, 4π माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना होगा, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। तो नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या है, आई थिंक तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा होगा, 9 होगा, ठीक है। ये सवाल छोटे छोटे सवाल आते हैं और बोर्ड के पेपर में आए हुए भी हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको तभी इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, पूरे सवाल। तो x बराबर इसमें -2k और एक x बराबर एक इसके 3k। एरिया का तुम लोग फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हो, क्या होता है स्टूडेंट, a और b और y dx होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है जिसके तहत हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, a को तो वैसे ही लिख देते हैं एरिया को, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और y की जगह क्या हो जाएगा 5e5x, ठीक है, और ये dx हो जाएगा, 5 को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है, फेंक देते हैं तो मुराद होता है कि हम 5 को बाहर निकाल देते हैं सिंपल, ठीक है, 3 और -2 और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा e की पावर 5x, ठीक है। अब e की पावर 5x का डेरिवेटिव कैसे निकलता है स्टूडेंट, इसका क्या ले लो, डेरिवेटिव्स ले लो, अगर 5x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है 5 डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या बनकर आएगा, e 5x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, e 5x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसी तरह से हमें करना होगा, ठीक है, ये वाला 5 वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट बनाया e 5x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 5 होता है, तो डिवाइड किससे होगा, 5 से होगा, ठीक है। ये माइनस का 2 और ये 3, अब इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो और आंसर ले आओ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो e 5x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसका आगे बढ़ना होगा और इसको और वैल्यू को सॉल्व कर लेना होगा। तो a बराबर एक इसके स्टूडेंट e है ना, तो e लिखूंगा 5, एक दफ़ा 3 पुट होगा, माइनस e एक दफ़ा 5 और माइनस का 2 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, a की वैल्यू e 5 3 15 माइनस e माइनस का 10। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर से आएगी वो क्या आएगी, 3269017.37 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 10 को करेंगे सॉल्व। तो चलो आ जाओ 10 देखते हैं। अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन में 10 आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं मेरे पास क्या होता है, आपको मालूम है हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए बी एरिया बराबर होता है ए बी y dx के, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से आपके सामने लिख दिया। अब क्या करने होंगे, लिखेंगे a बराबर एक इसके 0
पाई बाई टू और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कॉस फोर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर है जीरो पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर लिखा जा सकता है और यहाँ पे डी एक्स हो गया। बेटा कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो स्टूडेंट बराबर होता है मेरे पास वो मेरे पास बराबर होता है वन प्लस कॉस ठीक है और टू एक्स ठीक है और डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर डी एक्स ठीक है। अब इसको स्टूडेंट फॉर्मूला में ओपन कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जीरो पाई बाई टू अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा तो बाहर लिख देता हूँ वन ओवर फोर। इसका फॉर्मूला क्या होगा वन प्लस टू कॉस टू एक्स ठीक है प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू एक्स ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था तो मैंने क्या कर दिया इसको आपके सामने लिख कर दिखा दिया ठीक है। फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ओपन किया है ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, ए लिखता हूँ वन ओवर फोर वैसे ही लिखता हूँ, जीरो लिखता हूँ पाई बाई टू लिखता हूँ ठीक है, वन लिखता हूँ प्लस लिखता हूँ टू कॉस टू एक्स ठीक है प्लस का निशान स्टूडेंट इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या होगी इसी के बराबर होगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ठीक है तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस उसके बाद क्या आ जाएगा टू एक्स ठीक है तो वन प्लस कॉस टू एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे डी एक्स हो गया। स्टूडेंट एलसीएम ले लो टू वन जा टू तो मेरे पास क्या हो जाएगा वन ओवर फोर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो पाई बाई टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू प्लस टू टू सा क्या हो जाएगा फोर तो क्या लिख दूंगा फोर कॉस टू एक्स प्लस का वन कॉस प्लस का वन फिर प्लस का कॉस टू एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट टू हो जाएगा ठीक है। अब टू को भी बाहर निकाल दो और इन सब के साथ क्या लगेगा डी एक्स लगेगा ठीक है तो मैंने डी एक्स वैसे ही लिखा है इसमें कोई चेंजेस नहीं करा है ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट टू को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा फोर टू ज़ा एट तो वन ओवर एट जीरो पाई बाय टू यहाँ पे क्या टू प्लस वन किसके बराबर होता है स्टूडेंट थ्री के प्लस का निशान यहाँ पे क्या है स्टूडेंट फोर कॉस टू एक्स ठीक है और ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉस टू एक्स ठीक है ये होगा ना यहाँ पे कॉस टू एक्स बचा ये फोर टू कॉस एक्स बचा और ये बच गया ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये डी एक्स हो जाएगा ठीक है मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो स्टूडेंट इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगा वन ओवर एट वैसे ही रह जाएगा थ्री का क्या होता है स्टूडेंट थ्री एक्स हो जाएगा प्लस फोर तो वैसे ही उतर जाएगा कॉस टू एक्स का क्या होगा स्टूडेंट इसका हो जाएगा स्टूडेंट साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू ठीक है प्लस का निशान इसका क्या होगा स्टूडेंट दोबारा से साइन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट टू एक्स डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो ये मेरे पास आएगा ठीक है और यहाँ पे डी एक्स हट गया ठीक है। लिमिट की वैल्यू क्या है जीरो पाई बाय टू ठीक है तो स्टूडेंट मैंने ये आपके सामने लिख कर कितना दिखा दिया है टू वन ज़ा टू 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 ज़ा क्या हो जाएगा फोर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वन ओवर एट तो थ्री एक्स प्लस टू साइन टू एक्स प्लस साइन बेटा ये टू है ना अगर चाहो तो इसका एलसीएम लेके इसको भी बाहर निकाल सकते हो ठीक है नहीं खैर अभी नहीं निकालता अभी रहने ही दो इसको ठीक है साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू तो स्टूडेंट अब मेरे पास जीरो और पाई बाई टू है। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यूज़ को आपको इसके अंदर पुट करना है एक एक करके और मुझे कमेंट में करके बताना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है ताकि पता तो चल सके ना कि स्टूडेंट आप लोग इसे सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे ठीक है तो आप इसकी जीरो एंड पाई बाई टू की वैल्यू को पुट करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में। जब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यकीनन क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो 11 थोड़ा सा मुश्किल नहीं है बस आसान से ही है तो y बराबर है किसके 4 उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर x ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर है पाई बाय 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर है पाई बाय 4 ठीक है ये दो वैल्यूज मेरे पास गिवन है। अब क्या करना होगा इसकी वैल्यू को पुट करना होगा। एरिया का फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए बी वाई और डी एक्स तो एरिया बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके पाई बाय 6 और पाई बाय 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स ठीक है और ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया अगर चाहूँ तो 4 को बाहर निकाल सकता हूँ और 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर के बराबर होता है ठीक है। तो ए हो गया 4 बाहर निकल गया इंटीग्रेशन पाई बाय 4 हो गया ये पाई बाय 6 हो गया 1 ओवर साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट कॉसिक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया ठीक है। कितने आसान तरीके से कर दिया ना। अब कॉसिक स्क्वायर है अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है कॉट एक्स होता है ठीक है। तो इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 4 कॉट एक्स ठीक है और पावर क्या है पाई बाय 6 और पाई बाय 4 है ठीक है ये वैल्यू लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर से निकालना होगा एक एक करके। तो पहले लिखता हूँ कॉट
एक्स की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस का निशान कॉट पाई बाय सिक्स। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया स्टूडेंट। कॉट की वैल्यू कैसे कर सकते हो, वन ओवर टेन, तो वन ओवर टेन लिखना, पाई बाय फोर लिखना, रेडियन में कन्वर्ट करना और इसकी वैल्यू बताना क्या आई है स्टूडेंट, वन आएगी। ठीक है, क्या आएगी, वन, माइनस का निशान इसकी क्या आएगी स्टूडेंट, अंडर रूट थ्री। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, फिलहाल इसको यहीं तक रहने दो, अगर चाहो तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। अगर बुक के अकॉर्डिंग आंसर बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का फोर और ये माइनस का अंडर रूट थ्री और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का बन आ जाएगा, सॉरी माइनस का बन आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में, तो इसको अगर ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसकी वैल्यू निकाल दो कैलकुलेटर की मदद से, तो वो भी मेरा क्या होगा, आंसर ही होगा। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से यह सवाल भी हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कैसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा एक फॉर्मूला लग रहा है बड़ा का। ठीक है, तो बताता हूँ कैसे करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको इस तरह से चेंज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है स्टूडेंट, वो बराबर है किसके, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बराबर है 36 के, जबकि एक्स बराबर है माइनस वन, जबकि x बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, दो वैल्यूज हैं, इवन ऑड भी देख सकते हो इसमें अगर देखना चाहो तो। लेकिन खैर, हम लोग इसको इसी तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको ज़रा अलहदा करना होगा, मैं यहाँ पे y का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो 36 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं y के स्क्वायर का रूट हटाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ स्टूडेंट रूट लगा करके, 6 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर को लिखा जा सकता है। अब एरिया का फार्मूला लगा दो, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या है, पहली माइनस वन है, फिर प्लस का क्या है स्टूडेंट, वन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स है। ठीक है, अब याद रखना एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है फार्मूला, कि अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ हो, रूट लगा हुआ हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, डी एक्स भी लगा हुआ हो तो वो बराबर होता है एक्स ओवर टू के। ठीक है, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स ओवर ए प्लस का सी। तो ये फार्मूला होता है मेरे पास, ठीक है, प्लस का सी, आखिर में सी होता है। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला होता है अगर इस फॉर्म में लिखा हो, तो जाहिर सी बात है इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो कैसे लिखाएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट लग गया एक्स ओवर टू, ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा, एक्स ओवर टू ही आ जाएगा, तो मैं लिख गया एक्स ओवर टू। और फिर क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, सिक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का निशान, फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मेरे पास क्या है, सिक्स का स्क्वायर है, तो सिक्स का स्क्वायर लिख दूंगा, नीचे क्या लिख दूंगा, टू लिख दूंगा, साइन इनवर्स वैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स फिर एक्स वैसे लिखूंगा अपॉन ए है, तो ए क्या है मेरे पास, सिक्स है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिक्स लिख दूंगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेकिन मुझे सी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिमिट की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू में हम कॉन्स्टेंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट, अब क्या करना होगा, अब इसको लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। एक दफ़ा वन पुट करो और एक दफ़ा माइनस करके क्या पुट करोगे, एक दफ़ा माइनस करके तुम लोग क्या पुट करोगे, प्लस का वन पुट करोगे, तो क्या होगा मेरे पास, वन आएगा। ठीक है, ओवर टू अंडर रूट 36 माइनस का वन। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का निशान। ठीक है, फिर इसी में दोबारा वैल्यू पुट होगी क्या, ये माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का वन ओवर टू, ठीक है, और अंडर रूट 36 माइनस का वन का स्क्वायर, यहाँ पे वन का स्क्वायर है। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्या कर दो, यहाँ तक हो गया, प्लस का निशान। स्टूडेंट इसको अगर सॉल्व करोगे, 6 6 36, लेकिन 2 18 का कितना होता है, 36 होता है, तो यहाँ पे ये 18 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये 18 बचा, साइन लिखा, इनवर्स लिखा, वन ओवर क्या होगा स्टूडेंट, सिक्स होगा, तो वन ओवर सिक्स लिख दिया, फिर माइनस का निशान होगा, साइन होगा, इनवर्स होगा, और इस दफ़ा क्या आएगा, माइनस का वन ओवर सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने वैल्यू क्या कर दिया, आपके सामने लिख कर दिखा दिया। जब स्टूडेंट इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, वन ओवर टू 35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का वन ओवर टू हो जाएगा, तो वन ओवर टू हो गया। ठीक है, और इसको ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो याद रखना 18 ना असल में मल्टीप्लाई हो रहा है इससे पूरे से। ठीक है, तो ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 18 साइन वन ओवर सिक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स वन ओवर सिक्स। ठीक है,
प्लस का माइनस का निशान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स माइनस का 1/6। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लो तो ज़्यादा बेटर है, आई थिंक सो। ये नज़र नहीं आ रहा था, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको जब कैलकुलेटर में डाल के पूरी वैल्यू को एक एक करके लिखोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 11.94 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ करना, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है स्टूडेंट, तो 13 को कैसे सॉल्व करेंगे, वाई के स्क्वायर को अलहदा करना है। ठीक है, तो इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर ओवर 9, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, अब इस 9 को जाके उधर वाके मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 4 का एलसीएम ले लो पहले, रुको पहले एलसीएम ले लेता हूँ, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, अब 9 को जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 को अगर बाहर निकाल दूँ तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ तक कर दिया। अब मुझे वाई का स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए मुझे, विदाउट स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो रूट ले लूँगा दोनों साइड। तो 9 का रूट क्या होता है स्टूडेंट, 3, 4 का रूट क्या होता है 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रूट में लग जाएगी क्या, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर दोबारा से वही फार्मूला आ गया, और उसी फार्मूला को क्या करेंगे, दोबारा से इंप्लीमेंट कर देंगे। चलो आ जाओ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास आएगा स्टूडेंट वाई, एरिया लिख देता हूँ पहले मैं। ठीक है, एरिया बराबर है किसके, जो मेरे पास लिमिट की वैल्यू गिवन थी, लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से, माइनस का 1 और 1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस 1, और एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3/2 है, तो 3/2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो 3/2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये वाले टर्म को मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कौन से फॉर्म में, एक फार्मूला के फॉर्म में। तो फार्मूला कौन सा होता है कि एरिया जो होता है वो बराबर होता है 3/2, वैसे ही लिख दिया, x/2। ठीक है, तो x/2 का मतलब x/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर रूट लगाते हैं तो फिर क्या आएगा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस का। ठीक है, फिर इसका क्या लिखते हैं लोग, प्लस लिखते हैं, तो प्लस लिख दिया, ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, a का स्क्वायर, तो मतलब 4 माइनस, और नीचे क्या होता है 2, तो 2 लिख दूंगा, साइन इनवर्स लिखूंगा, और यहाँ पे क्या होता है x/a, तो x/a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 है, a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और एक्स ए का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, और ये पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोज हो गया, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करनी है। ठीक है, चलो आज वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट, एरिया लिखा आपके लिए, एरिया लिखने के बाद 3/2 को वैसे ही लिखा। अब इसके अंदर एक दफ़ा 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। ठीक है, और रूट लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस माइनस का, पहले प्लस का 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस पुट करेंगे तो माइनस का 1/2। ठीक है, रूट लगाएंगे, 4 माइनस का 1 का माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा है, एक पार्ट अभी सॉल्व करा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो प्लस का निशान डालेंगे, 4/2 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, 2 के बराबर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट बनाऊंगा, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स लिखूंगा, एक दफ़ा क्या पुट होगा स्टूडेंट, प्लस का 1/2, फिर माइनस का निशान, साइन इनवर्स, और एक दफ़ा क्या होगा, माइनस का 1/2। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में इस पूरी वैल्यू को पुट करना है, और पुट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ना स्टूडेंट, क्या आएगा, 5.98 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली पुट करो, डायरेक्टली आंसर ले आओ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और देखो क्या आपका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, अब चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है इसमें। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 14 को लिखेंगे। ठीक है, इसको मैंने फिर से बड़ा कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कि वाई का स्क्वायर बराबर है किसके, 2x प्लस का 5, जबकि एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1, जबकि एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2। तो इसमें डायरेक्टली पुट करके हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसी है देखो, कि मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर के बगैर निकालना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 5, और रूट लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें एरिया का फार्मूला लगा देते हैं, तो एरिया का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, 1 है, 2 है, अंडर रूट 2x प्लस 5 है, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमने
इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में बना सकते हैं ना, तभी मैं इसको पावर ऐड और डिवाइड कर सकता हूँ। 2x + 5 है तो 2x का इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट कि a बराबर है किसके, 1 और 2, 2x + 5 की पावर 1/2, ठीक है dx। आपको पता होगा अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें पावर ऐड और नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो a बराबर है किसके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, या इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, 0। तो मैं क्या करूँगा, 2x + 5 यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और यहीं पर इसको 2 से डिवाइड भी करवा दूंगा, ठीक है, ताकि इसमें ऐड कर सकूँ और इसी से डिवाइड कर सकूँ, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा था, तभी मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, 2x + 5 की पावर 1/2 + 2 किसके बराबर होता है, 1/2 + 2, 2 2 ज़ा 4, 5/2, तो क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अभी मैं इसको ना क्या करता हूँ, सिर्फ इस वाली वैल्यू को निकालता हूँ, अभी इसको नहीं करता हूँ, ठीक है। रूट की वैल्यू 1/2 है ना, सही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 + 1 होगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 और 3, तो 3/2 होगा, ठीक है, 3/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं एक एक करके, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ये देखते हैं। और डिवाइड भी किससे होगा, इसमें 3/2 से ही होगा, ठीक है, 2 से ये मेरे पास यही टर्म आ गए, ठीक है। तो अब मेरे पास जो वैल्यू बच रही है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या बचेगी, 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 5, ठीक है, 3, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1, ठीक है, अंदर 3/2 होगा, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर है 1/3, ब्रैकेट वैसे ही डाल दिया मैंने, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 से, फिर प्लस का क्या है, 5, और इसके ऊपर पावर क्या है स्टूडेंट, 3/2, माइनस का निशान, फिर 2 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा 5, और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 का क्यूब हो जाएगा, या फिर तुम लोग को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटर में वैल्यू डालना और इसकी वैल्यू ले आना, क्या आएगी मेरे पास, 2.82 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इतना सॉल्व करके सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम पॉइंट में आंसर लेकर आ सकते हैं, तो आप पॉइंट में डायरेक्टली भी आंसर लेकर आ सकते हैं स्टूडेंट। इसका भी स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लो। अब हमारे पास लास्ट सवाल है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और पेज निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ मुझे मिल गया पेज का, ठीक है, ये बात, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक और पेज आ गया, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीन को इंक्रीज कर देता हूँ और इस वाले सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस वाले सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान, क्वेश्चन नंबर 15, वाई का स्क्वायर बराबर है किसके स्टूडेंट, 10 4x, ठीक है। तो वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, 10, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ स्क्वायर है ना, अगर मैं इसमें रूट लगा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी रूट लग जाएगा और यहाँ पे भी रूट लग जाएगा, ठीक है, 4 पावर में, ठीक है, 4 एज द पावर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो तो y बराबर हो जाएगा, और यहाँ से 4 से रूट कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो जाएगा, 10 square x हो जाएगा, ठीक है। 10 square x का अगर इंटीग्रेशन लेते हो तो स्टूडेंट क्या आता है, अभी इसका 10 square किसके बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है स्टूडेंट sec² x - 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है, तो मुझे मालूम है लिमिट की जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, एक π/6 है x की वैल्यू, और एक है मेरे पास x की वैल्यू π/4 है, ठीक है। तो π/6, π/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec²x - 1 और dx, ठीक है, किसकी वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, ठीक है। बहुत रफली लिखवा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब तो ख़त्म होने वाला है ना, इसलिए अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा, sec² का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है मेरे पास 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 10x और माइनस का x, और क्या हो जाएगा मेरे पास, π/6 और π/4। स्टूडेंट ये जो मेरे पास आ गया, अब इसका मुझे आंसर आपने बताना होगा, π/4 पुट करके फिर माइनस करके π/6, इसमें π/4 माइनस का π/6, और मुझे बताना होगा लास्ट में क्या आंसर है। मैंने 2 सवाल आपको बोला है कि आपने क्या बताना है, उसका मुझे आंसर बताना है, ताकि क्या हो सके, पता चल सके कि आप भी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये तमाम सवाल को मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो, फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने वीडियो का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।